एक लड़का जिसके पास सिटी में रहने के लिए घर नहीं होता या अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करता है और उनके ही घर में रहता है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी स्प्रेड 2009 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर निकी से इंट्रोड्यूस होते हैं। निकी हमसे कहता है मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। मेरी मदर की फ्रेंड्स को मैं बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो बड़ा हुआ तो एक फ्रेंड के साथ उसका अफेयर भी हो गया था। उसने हमेशा से इमेजिन किया था कि वो बड़ी सिटी में रहेगा, उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी और वो हमसे कहता है कि ये सच भी हुआ है। इस बात में थोड़ा सा ट्विस्ट था। उसके पास खुद की रहने की जगह नहीं थी तो अमीर लड़कियों को ढूंढता रहता था, उन्हीं के साथ वो रहता था। ऐसे ही एक रात उसे हम क्लब में देखते हैं। क्लब की बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी जानता है क्योंकि उनके साथ उसका अफेयर रह चुका है। उसने एक लड़की को नोटिस किया जिसके पास सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी। हमारी और एक मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है समांथा। समांथा को पार्टी से ज़्यादा देख उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उसने उसका नाम पूछा, कहता है तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा क्यों रही हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। समांथा उसे ज़्यादा भाव दे नहीं रही थी। उसने कहा कि तुम बहुत क्यूट हो पर मैं तुम्हें घर पर नहीं लेकर जाऊँगी। निकी पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, समांथा ने ना कहा। वो फिर पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करती हो, वो फिर इसे मना करती है। वो क्लियर करती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं। ये बात सुनने के बाद निकी उसके पास आ गया। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। निकी फिर उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। वो हमसे कहता है कि लड़कियों के सामने तुम बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ें करो तो उन्हें सेफ लगेगा। उसके पास लड़कियों को हैंडल करने के इस तरीके के बहुत सारे रूल्स थे। इसमें वो सक्सेस होता है और आज रात ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर समांथा निकी को उठाने की कोशिश करती है पर निकी उठता नहीं। ये भी उसकी एक ट्रिक थी ताकि वो यहाँ पर रह सके। उसने सिर्फ उसे थोड़ी सी स्माइल दी। समांथा अपना कार्ड छोड़कर गई थी तो उसने उसके लिए फूल मंगवाए। उसे उतना अच्छा कुकिंग करना आता नहीं पर फिर भी समांथा के लिए वो कुक करता है क्योंकि उसे पता है कि लड़कियों को एफर्ट करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। समांथा के रात पर घर पर आने पर उसे बहुत ही स्पेशल फील कराता है। वो उसे पूछती है क्या तुम कुछ काम भी करते हो। निकी कहता है कि मैं सब नॉर्मल सी चीज़ें करता हूँ, उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, यही सब एंजॉय करना है उसकी लाइफ है। उसे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं देता और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ एंजॉय करना यही इनकी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। समांथा निकी की लाइफस्टाइल मेंटेन करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। थोड़े दिनों में निकी बोर होने लग गया। समांथा कब घर से बाहर जाए इसका वेट करता था। एक दिन वो कहती है मुझे मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। निकी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसे पार्टी करनी थी। उसे ड्रॉप करता है और तुरंत पार्टी की प्लानिंग उसने स्टार्ट कर दी। निकी का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जिसका नाम है हैरी। जब निकी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती तो हैरी के पास ही आ जाता है। निकी हैरी को भी समझा रहा था कि किस तरीके से लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। यह पार्टी में निकी की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वहाँ पर तमाशा खड़ा करने लग गए। निकी हैरी से कहता है कि जल्दी से इसे घर पर लेकर जाओ वरना मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। पार्टी की सब लड़कियों को बता रहा था कि वो बहुत ही बड़ा मिलीनियर है। एक लड़की ने उसे अप्रोच किया और हाउस की टूर के लिए पूछा। टूर देते हुए फाइनली वो बेडरूम तक आ जाता है और दोनों फिर इंटीमेट हो गए। रात में फिर से हैरी और निकी ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। हैरी कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड पूछ रही थी कि क्या उसके जाने पर भी तुमने ऐसी ही पार्टी की थी। निकी ने कहा कि क्या तुमने उसे सच बताया। हैरी कहता है कि मेरे पास चॉइस भी नहीं थी। ये सब करते हुए निकी को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगता, वो लड़कियों के फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। पार्टी की सब चीज़ें मेड को क्लीन करनी पड़ी और इसी वजह से समांथा को सब कुछ पता चल जाता है। उसने कॉल कर निकी को बताया कि किस दिन वो वापस आने वाली है। निकी आज बहुत सारी लड़कियों को कॉल कर रहा था तो हमसे कहता कि अगर मैं किसी भी लड़की को कॉल ना करूँ तो मेरा गेम खराब हो जाएगा। उसे हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही अपने एक पुरानी फ्रेंड को घर पर बुला लेता है। फ्रेंड पूछती है कि तुम अब किसको फंसा रहे हो। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, वो निकी को पूरी तरह पहचानती थी। उसने कहा कि तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो 10 साल में तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। ये सब करने से तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिलती। हम दोनों के बीच में जो भी था ये बहुत ही अच्छा था। उसे निकी के लिए फीलिंग्स थे, उससे कमिटमेंट चाहती थी पर निकी इस बात को थोड़ा सा भी सीरियसली लेता नहीं। ये दोनों फिर इंटीमेट हो गए। वो उसे पूछती है क्या हम हमारी रिलेशनशिप को और एक चांस दे सकते हैं। निकी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उस लड़की ने आज रियलाइज़ किया था कि निकी एक्चुअल में उसके लिए कोई भी केयर नहीं करता। समांथा निकी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक दिन जल्दी आ जाती है। निकी किसी और लड़की के साथ था और उसे इसके लिए वो सॉरी कहता है। उस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। निकी कहता है कि मैंने तुम पर चीट नहीं किया है।
हम दोनों के बीच में जो भी है, हमने इसे कोई भी लेबल नहीं दिया है। इन्हें पता था कि एक दूसरे से प्यार नहीं करते, झगड़े झगड़े में ही डिसाइड करते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहेंगे। फिर से दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं। एक दिन एक कैफे में निकी को एक लड़की पसंद आई जिसका नाम था हैदर। उससे वो बात करने की कोशिश करता पर हैदर उसके हाथ में नहीं आती। उसने उसे अलग अलग डेट्स के लिए पूछा पर हर बार उसे मना कर देती है। निकी ने जाते जाते अपना नंबर बिल पर लिखा, कुछ भी पे ना किए हुए वैसे वो चला जाता है। कैफे में एक डिलीवरी मैन था जो निकी का पता जानता था, तो अगली सीन में हैदर डायरेक्टली उसका पता निकाल कर घर पर आ जाती है। उसने कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे पैसे वापस करो। गुस्से में पैसे लेकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में समंथा ने निकी के पास आने की कोशिश की पर उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड को हैदर के कैफे में लेकर आया ताकि उसे हेल्प कर सके। निकी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत सारे मीटिंग से कॉल आते हैं। उसका फेक कॉल भी बजने लग जाता है। बाहर रॉन्ग पार्किंग में उसे पार्किंग टिकट मिल रहा था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो लेडी ऑफिसर से वो फ्लर्ट करने लगता है। हैदर ये देखकर बहुत हंसी। समंथा नोटिस करती कि निकी का उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। अगले दिन निकी अपने फ्रेंड हैरी के साथ था। हैरी का रूम स्मेल करता है तो इस बात का निकी ने मजाक उड़ाया। इस बात पर वो गुस्सा होकर निकी को बाहर निकाल देता है। एक दिन हैदर ही निकी को कॉल कर दिया, आज रात उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। वो डेट पर ज़रा लेट आए। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो अचानक से उसे किसी का कॉल आ जाता है। कॉल पर उसने अदर पर्सन को मंकी कहा। इस कॉल के तुरंत बाद वो यहाँ से जाने लग गए। निकी उस पर गुस्सा हो गया पर वो डायरेक्टली चली जाती है। एक दिन समंथा निकी से पूछती कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो इसके लिए उसे मना करता है। समंथा ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल क्यों जा रही थी ये उसे नहीं बताती है। आज़ाद हैदर ने फिर से निकी को कॉल किया। उसे पूछती है कि क्या तुम अकेले हो। इसके तुरंत बाद वो डायरेक्टली उसके स्विमिंग पूल में थी। निकी ने कहा कि तुमने उस दिन बहुत ही अजीब किया था और ये मंकी कौन है। हैदर ने कहा कि मैं मेरे छोटे ब्रदर को मंकी बुलाती हूँ, वो एबनॉर्मल है तो उसी की केयर लेने के लिए मैं गई हुई थी। ये बात कहकर हैदर रोने लग गए। निकी को उसके लिए बुरा लगता। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। सुबह होने पर स्ट्रीट की क्लीनिंग चल रही थी, हैदर सोई हुई थी तो उसकी गाड़ी निकी को मूव करनी पड़ती है। निकी ने रियलाइज़ किया कि हैदर के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार है। जो भी कल रात उसने निकी से कहा था ये सब कुछ झूठ था। जिस तरीके से निकी लड़कियों को फंसाता है उसी तरीके से हैदर रिच आदमियों को फंसाती है। ये सब कुछ निकी समझ गया और उसे घर से निकाल देता है। दो दिनों के बाद समंथा हॉस्पिटल से वापस आई। उसने अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी की थी, उसे रेस्ट की ज़रूरत थी तो रात में निकी क्लब पर चला गया। रात भर वो किसी और लड़की के साथ था तो इस वजह से समंथा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। निकी भी उसे बहुत ही परेशान हो गया था। वो कहता है अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समंथा का गुस्सा शांत होने के बाद निकी ने कहा तुम्हें भी और कोई मिल जाएगा। उसे पूछती कि अब तुम कहाँ जाओगे। निकी को कुछ भी पता नहीं था। उसे तुरंत एक लड़की का कॉल आ जाता तो समंथा इस पर गुस्सा हो गई। निकी का फ़ोन लेकर वो पानी में डाल देती है। अब वो किसी के पास भी नहीं जा सकता, उसे स्ट्रीट पर ही रहना पड़ता है। रात में वो फिर से अपनी ओल्ड फ्रेंड के पास आता है। अब वो उसे कहने लग गया था कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। इस बात पर वो थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती। उसने कहा कि तुम अगर एक्चुअली मेरे बारे में केयर करते तो मेरी लाइफ में चल क्या रहा है इसके बारे में पूछते। वैसे भी वो किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में थी तो निकी के साथ नहीं रह सकती। निकी फिर अपने फ्रेंड हैरी से मिलने के लिए क्लब में आया। हैरी अपने और एक दूसरे फ्रेंड के साथ था। क्लब में काम करने वाली लड़कियों के साथ वो फ्रेंड बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इस बात से निकी का उससे झगड़ा हो गया और वो बाहर आ गया। हैरी ने कहा कि तुम्हें कर क्या रहे हो। निकी ने कहा कि इस तरीके से बिहेवियर अच्छा नहीं होता। हैरी कहता है कि तुम भी एक्चुअल में लड़कियों की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मेरी सिस्टर को तुम्हारे पास आने भी ना दूँ। निकी उसके सिस्टर को लेकर एक गंदी बात करता है और इस वजह से हैरी और निकी में भी फाइट हो गए। अब वो उसके साथ भी नहीं रह सकता। उसने और एक क्लब में जाने का ट्राई किया पर ये प्राइवेट पार्टी थी तो इस वजह से वो जा नहीं पाता। रात में वो अपनी मदर को कॉल करता है। इस सिटी में आने के बाद वो अपने घर पर गया ही नहीं था। मदर पूछती है कि क्या वहाँ पर तुम कुछ काम कर रहे हो। निकी इसका जवाब नहीं देता तो उस वजह से मदर भी उस पर गुस्सा थी। एक दिन वो एक होटल पर जाकर वहाँ की एक रिच लेडी के साथ फ्लर्ट करता है। ये सब करते हुए हैदर ने उसे देख लिया। उसके पास आए तो निकी ने जो भी उसके साथ किया था इसके लिए उसे सॉरी कहता है। हैदर कहती कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है, हम दोनों एक जैसे ही है। निकी के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे तो फिर हैदर उसे अपने घर पर लेकर गई। उसके प्रीवियस बॉयफ्रेंड के साथ उसका भी ब्रेकअप हो गया था। आज वो कुछ कॉल्स लगाती है तो रात में उसकी डेट फिक्स थी। डेट से वापस आने के बाद उसने निकी के साथ टाइम स्पेंड किया।
हैदर को अपनी एक फ्रेंड का कॉल आता है कि एक बहुत ही रिच मिलियनेयर है और उसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। हैदर फिर निकी को भी उस पार्टी में लेकर जाती है। उस मिलियनेयर को पटाने के लिए निकी हैदर को हेल्प करता है, उसे हंसने के लिए कहता है, उसके साथ डांस करने के लिए कहता है। मिलियनेयर की नज़र हैदर पर पड़ी और फिर ये दोनों बात करने लग गए थे। पार्टी के बाद निकी कहता है कि तुम उससे जितने भी पैसे लोगी उसका मुझे कुछ कट चाहिए। हैदर उसे साफ साफ मना कर देती है। रात में उसने काउच पर सोने के लिए कहा। थोड़ी देर में निकी उसके पास आ गया। वो कहता है कि हम दोनों एडल्ट्स हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल तो कर ही सकते हैं। स्लोली स्लोली उसके पास आ जाता है और फ्लर्ट करने लग गया। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। एक दूसरे के साथ जब भी होते हैं तो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। एक रात डिनर करते वक्त निकी को एक लड़की ने पहचान लिया, उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर दिया। ये बात हैदर को उतनी अच्छी नहीं लगी। वो निकी के सारे हालात समझ लेती है। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। हैदर का किसी और आदमी के साथ बाहर जाना ही निकी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन हैदर को अपने एक बॉयफ्रेंड से इन्वॉल्व मिला जिसमें उसे शादी के लिए पूछा गया था। इसके बारे में वो निकी से कहती है। उसने कहा कि मैंने अभी अभी उससे ब्रेकअप किया है। निकी इस बात से सरप्राइज था क्योंकि इस बॉयफ्रेंड के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। वो कहती कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। निकी पूछता है, तुमने फिर उसके ब्रेकअप क्यों किया? समंता ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इसका निकी के पास कोई भी प्लान नहीं था, तो यहाँ से वो चला जाता है। घर आने के बाद उसे पता चला कि समंता न्यूयॉर्क जा रही है। उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो जा चुकी थी। अगले दिन ग्रोसरी लेते हुए उसे अपनी एक फ्रेंड मिली जो बहुत ही ड्रंक थी। उसे इस हालत में ड्राइव करने नहीं दे सकता था तो उसे घर छोड़ने के लिए आ जाता है। इसी मोमेंट पर उसे समंता का कॉल आया। वो कहता है कि प्लीज़ घर पर वापस आ जाओ, मैं कुछ जॉब्स वगैरह कर लूँगा और हम कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेंगे। समंता ने उस लड़की की आवाज़ फ़ोन पर सुनी और वो गुस्से में फ़ोन रख देती है। निकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। उसने हैदर की रूममेट से बात की, उसे एडवाइस करती है कि अब तुम्हें कमिटमेंट दिखानी चाहिए, तुम उसके लिए रिंग वगैरह लेकर जाओ, शादी के लिए उसे प्रपोज करो। निकी को भी आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने फ्रेंड हैरी की मदद लेकर एक रिंग बाय करता है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर वो देखता है कि हैदर अब एक बहुत ही बड़े हाउस में रह रही थी। उसने उसे समझाया कि ये जो सब चीज़ें तुम कर रही हो इसमें से कोई भी रियल नहीं है, तुम उसके साथ कुछ रह नहीं पाओगी। समंता कहती कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तुम सिर्फ वादे करते हो और उसके बाद तुम कुछ एक्शन नहीं लेते। इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा डरती है। उसने उसे ये भी बताया कि अब मेरी शादी हो गई है। निकी कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले सकती हो। समंता ने उसे क्लियर किया कि ये सब चीज़ें वो खुद चाहती है, उसे डिवोर्स नहीं ले सकती। उसका हस्बैंड घर आता है तो समंता ने कहा कि इस डिलीवरी बॉय को उसकी टिप दे दो। इस सब से निकी का हार्ट ब्रेक हो गया। वो अब डिसाइड करता है कि ऑनेस्टी से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। एक्चुअल में डिलीवरी बॉय का काम उसने ले लिया था। एक दिन वो समंता के घर पर भी डिलीवरी देने के लिए आया। एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए कहते हैं। निकी हमसे कहता है, इस सिटी में सपने लेकर मेरे जैसे बहुत सारे लड़के आते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद वो वापस चले जाते हैं पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। यहाँ रहकर वो ऑनेस्टली फाइट करेगा। रियल प्यार को ढूंढने के लिए होपफुल था और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। फाइनली वो सुधर चुका था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।